गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है मल्टीप्लाई करके किसी भी समीकरण निकाल के समीकरण में अगर कोई वैल्यू हमें दी हो तो उस समीकरण को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने जो क्वेश्चन लिया है, सवाल लिया है कि एक पंचायत में 3x+2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x2+3x+6 मतदाता है, तो यदि x2 दिया हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुल कितने मतदाता है, इसलिए हमारे पास पहले क्या बनानी पड़ेगी, हमें समीकरण निकालनी पड़ेगी। जब समीकरण हमारे पास आ जाएगी तब हम x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो हमारे पास जो है मतदाताओं की कुल संख्या जो है आ जाएगी। इसलिए जो है इसको मैंने हल करने के लिए देखो कैसे किया कि एक पंचायत में ग्राम सभाएं कितनी है 3x+2 और एक ग्राम सभा में मतदाता कितने हैं, इतने हैं। अगर एक ग्राम पंचायत में इतनी सभाएं हैं और एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं तो हम कुल मतदाताओं की संख्या निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास उन्हें x2 दिया हो तो संख्या किसमें आएगी, गिनती में आएगी। अब देखो जब हमने कुल मतदाताओं की संख्या निकाली तो हमने इसमें प्लस नहीं किया, घटाव नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई क्यों किया कि हमारे पास जो सवाल था कि एक पंचायत में इतने ग्राम सभाएं हैं और एक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं, जिसे मतदाताओं की संख्या कुल कितनी आएगी, इसलिए मैंने इसको क्या किया, गुणा किया। गुणा करने के लिए आपको पता है कि एक ब्रैकेट को जब दूसरे ब्रैकेट से गुणा करते हैं अगर तो एक संख्या हो तो सीधा गुणा हो जाता है एक पूरे ब्रैकेट में। जब हमारे पास दो से ज्यादा संख्याएं हो दोनों ब्रैकेट में गुणा करने के लिए, पहले हम एक अक्षर से जो है पूरे ब्रैकेट को गुणा करते हैं, फिर बीच में जो साइन दिया हो प्लस का हो तो प्लस डाल लेते हैं, माइनस का हो तो माइनस डाल लेते हैं, तो दूसरी संख्या में फिर हम पूरे ब्रैकेट को गुणा करके प्लस माइनस जो है करते हैं। अब देखो इसमें 3x+2 है, इसलिए पहले मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3x से, 3x से पूरे ब्रैकेट लिए। फिर क्या है दूसरी संख्या क्या है, +2, फिर मैंने +2 से फिर संख्या पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर ये आधार जो होते हैं एक से होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे 3x पर जो मैं x² से करूंगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, पावर क्योंकि आधार xx है, आधार दोनों का सेम है, इसी पावर जुड़ जाएगी। जिसके ऊपर कोई पावर ना लिखी हो उसका मतलब एक पावर होता है। जैसे 1 और 2 कितने हो गए, 3। जब मैं 3x को 3x से किया, x और x कितने हो गए, 2x हो गए, इसलिए x की पावर कितनी होगी, 2 हो गई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। जैसे 3x को 6 से किया तो हमारे पास क्या आया, 18x आया। इसी तरह मैंने 2 से किया, 2 को किया, इसमें पावर नहीं जुड़ेंगी क्योंकि 2 के साथ कोई भी संख्या नहीं है। 2 को x² से किया 2x² आ गया, 2 को 3 से किया 6x आ गया, x का x रहा, फिर 2 को 6 से किया तो 12 आ गया। अब मैंने इसमें देखो जो सेम पावर वाली होती है उन्हीं संख्याओं को हम घटाते हैं और जोड़ते हैं। यानी कि x की पावर जिसकी 3 दे रखी है उसको हम x की पावर 2 में जोड़ लें या घटा लें, ऐसे नहीं होता। अगर x की पावर 3 है तो x की पावर 3 वाली संख्या ही x की पावर 3 में जमा होगी और घटाई जाएगी। अब इसमें 3x की पावर 3 वाली संख्या कोई नहीं है, इसलिए मैं इसको वैसे का वैसे लिख लिया। अब x की पावर 2 वाली संख्या 2 है, एक 9x है, एक 9x² है, एक 2x², इसलिए कितना हो गया, 9 और 2 11x² हो गया। अब x वाली संख्या देखो, एक ये 18 है, एक 6x है, कितना हो गया, 24x हो गया, कितना आया, 12 का 12 रह गया। अब उसने हमें कहा कि मतदाताओं की संख्या निकालनी है यदि हमारे पास x कितना हो 2 के बराबर, इसी जल्दी से x को हम 2 रखेंगे, कौन सी, इस समीकरण में, इस समीकरण में जो है हम x को 2 रखेंगे इक्वेशन में, तो हम जो है 2 को x की जगह लिखेंगे और उसके ऊपर पावर जो होगी वैसे की वैसे लिख दी जाएगी। अब जब इसकी पावर 2 की पावर 3 आ गया, इसका मतलब 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 × 4 × 8, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा, 3 को मैंने 8 लिख दिया। और जब 2 की पावर 2 लिखा तो इसका मतलब 2 जो है 2 बार गुना होगा, 2 × 2 = 4 आ गया। इसमें x 1 है इसलिए वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया। बाकी इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 24 + 44 + 48 + 12। जब इनको हमने सबको जोड़ा तो कितना आया, 128 आया। ये हमारी क्या हुई, मतदाताओं की संख्या हुई जो उसने हमें ज्ञात करने के लिए कहा।